आपको तो पता था रॉबिन हुड पे लिस्टिंग होने के लिए सबसे पहले 75,000 सिग्नेचर की जरूरत थी जो पिटीशन फिल किया था, उसके बाद 1.5 लाख की जरूरत पड़ी और उसके बाद 2 लाख की जरूरत पड़ी, लेकिन जिसमें से 1/70 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बावजूद भी रॉबिन हुड की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो अब यहाँ पर देखिए क्या कड़ा जवाब दिया है रॉबिन हुड को यहाँ पर, तो देखिए इस वीडियो के बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये ट्वीट किया लगभग 21 घंटे पहले और यहाँ पर आप रॉबिन हुड का लोगो देख सकते हैं। साथ के साथ हम बात करने वाले यहाँ पर कॉम्बो फ्लेयर की, कॉम्बो फ्लेयर क्या चीज़ है और क्या शिबा इनू से क्या लेन देन है इसका, और यहाँ पर एक वार्निंग जारी की है 10 घंटे पहले ट्वीट करके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं मार्केट का हाल क्या कुछ रहा है ओवरऑल। तो गाइज मार्केट का आज का हाल अभी तक 2.76% से अप देखने को मिला है। इसका मतलब जो प्राइजेज हैं कुछ कोइंस के वो अप रहे होंगे और कुछ के डाउन रहे होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस के 8% या 10% होता तो सभी कोइंस के प्राइस अप रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पर 2% या 3% होता है तो कुछ कोइंस के अप रहते हैं कुछ के डाउन रहते हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर 2.76% है, तो मैं बात करूँ बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर चेक कर सकते हैं 2.31% से अप है बिटकॉइन का प्राइस। यहाँ इथेरियम का देख सकते हैं 4% से अप है, यूएसडीटी थोड़ा माइनस में चल रहा है, बीएनबी 3% से अप है, कार्डानो 0.89% से अप है, डोज कॉइन 0.36% से अप है यहाँ पर। और इसी तरह और कॉइन्स की बात करो तो कुछ कॉइन्स जैसे मैंने पहले बताया भी माइनस में होते, तो यहाँ देख सकते हैं माइनस के 0.06% है, बाइनेंस यूएसडी 0.07% है। अगर मैं शिबा इनू की बात करूँ तो शिबा इनू सबसे पहले तो पिछले 24 घंटे के बीच में 1.30% यानी लगभग 1.50% और 2% यानी 1 से 2% के बीच में यहाँ पर इंक्रीमेंट मिला है देखने को, लेकिन जो इसका रैंक है वो बढ़ चुका है। पहले ये 28 रैंक पे, तब ये 29 रैंक पे चला गया, एक रैंक इसका इंक्रीज हो चुका है। और मैंने बताया रैंक सीधा सीधा काम करता है बाइंग सेलिंग और होल्ड के फंडे के ऊपर, तो जिनको नहीं पता वो मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाया भी हुआ है और बाकी मैंने बताया भी हुआ है। तो अभी बात करते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम की एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो प्राइस चेंज में आपने देखा हो 1.20% का प्राइस चेंज है, ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देख सकते हैं प्लस के 1% है, 1.48% एट प्रेजेंट यहाँ पर देख सकते हो। तो ट्रेडिंग में भी ज़्यादा वृद्धि तो नहीं हुई है, ज़्यादा इंक्रीमेंट तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन अच्छी खासी इंक्रीमेंट है भाई, माइनस में नहीं है, प्राइस अप है और उसके बाद भी ट्रेडिंग हो रही है, तो ये गुड बहुत ही अच्छा संकेत है शिबा इनू कॉइन के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम ट्वीट्स की यहाँ पर, जो मैं ट्वीट्स आपको दिखा रहा था। तो सबसे पहला ट्वीट शिव डिफेंडर की तरफ से किया गया लगभग 10 घंटे पहले, दरअसल में कि ये साइट है शिबा टोकन कोनेक्ट डॉट ऑनलाइन, अभी इन्होंने जो डॉट है ना वो इस ऐसे लिखे क्योंकि आप क्लिक ना कर दो इसलिए, तो ये एक स्कैम वेबसाइट है। प्लीज़ इस वेबसाइट पे लिंक काफ़ी जैसे टेलीग्राम पे ज्वाइन की हुई है आपने तो वहाँ पर देते हैं भाई आप यहाँ से जाके कोइंस को परचेज कर सकते हो या एयर ड्रॉप होगा या आपको फ्री में दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, तो इस पर नहीं करें आप। अगर आपके जितने भी और भी कोइंस आपने परचेज किए वो सब के सब हैकर्स के पास चले जाएंगे। तो ये एक वेबसाइट है जो स्कैम है, आप एक बार फिर से देख ले शिबा टोकन कोनेक्ट डॉट ऑनलाइन, तो इससे बच रहे। उसके बाद दूसरे यहाँ पर बात करते हैं अपडेट की जो कॉम्बो फ्लेम को लेकर, तो दरअसल में कॉम्बो फ्लेयर क्या चीज़ है, कॉम्बो फ्लेयर एक रेस्टोरेंट है, एशियन रेस्टोरेंट, ठीक है, फर्स्ट रेस्टोरेंट है माइनिसोटा के बीच में, और जिसके बीच में आप फूड को परचेज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ शिबा इनू कॉइन। तो मैं इसको पिक को बड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ कॉम्बो फ्लेयर इसका लोगो देख सकते हो, और यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं एशियन फ्यूजन रेस्टोरेंट। देखिए गाइज यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है और इसके बीच में आप आसानी से जाके जो शिबा इनू है उसके साथ आप फूड को परचेज कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बताया भी है नाउ एक्सेप्टिंग शिबा और comboflare.com, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है यहाँ पर ये। उसके बाद लास्ट गुड न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा था भाई रॉबिन हुड का क्या, क्योंकि आपको पता था अभी तक रॉबिन हुड ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था 1.5 लाख पिटीशन पे सिग्नेचर कंप्लीट होने के बाद भी, उसके बाद उसको बढ़ाया गया 2 लाख तक, जो अभी स्लो डाउन चल रहे हैं लगभग 1.70 तक आज पहुँचे हैं। तो इसके ऊपर आईपीडी मैन ने यहाँ पर लगभग 21 घंटे पहले एक ट्वीट किया है, सीधा ही रॉबिन हुड को टैग करते हुए यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है भाई अगर आप हमारे जो शिबा इनोस को इग्नोर करते रहोगे और लिस्ट नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, जितने भी इन्वेस्टर हैं वो हम सारे के सारे आपके प्लेटफॉर्म से हट जाएंगे। दरअसल में एक थोड़ा धमकी टाइप में भी आप इसको बोल सकते हो या एक तरह से कह सकते हो भाई थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश किया जा रहा है, थोड़ा डराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है शिब आर्मी विल विड्रा एंड ट्रांसफर ऑल इन्वेस्टमेंट्स टू अदर प्लेटफॉर्म अंटिल वी आर लिस्टेड, वी विल नॉट बी इग्नोर्ड एनी मोर।
ठीक है गाइज, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, और यहाँ पर इन्होंने हैशटैग किया हो शीबा आर्मी को, शीबा को ट्रेंडिंग को, कैंसल रोबिन हुड, शीबा टू द मून, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर सीधा ही संकेत है भाई, अब या तो रोबिन हुड की तरफ से कोई रिप्लाई आएगा या फिर वेट करेंगे थोड़ा, और उसके बाद मतलब जहाँ तक ख्याल है 90% तो रिप्लाई का ही ख्याल है भाई, रिप्लाई आएगा ही ये देखने के बाद। और अगर नहीं रिप्लाई आया तो जितने भी इन्वेस्टमेंट जिन्होंने भी इस प्लेटफॉर्म पर की हुई है वो हम निकाल लेंगे और हम दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे इसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी रोबिनहुड के प्लेटफॉर्म की, क्योंकि आपको तो पता है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। तो उसके बाद खुद ब खुद ये कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे, हाँ या ना कुछ डिसीजन ये खुद ब खुद लेंगे। लेकिन रोबिनहुड ने जो स्टार्टिंग में बोला था उसके बीच में ये था भाई अभी हम सोच रहे हैं इसको लिस्ट करने की, तो उसके बाद कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। 1.5 लाख पटिशन होने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं आया था रिप्लाई, हालांकि उससे पहले इन्होंने बोला था भाई हम सोच रहे हैं, हाँ कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो इन्होंने इस तरह का कुछ कहा था। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में।